वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वारंटाइन लॉकडाउन पीरियड में जहाँ सभी लोग घरों में बैठे हुए हैं, पेरेंट्स, हम लोग सब, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई चल रही है, चारों तरफ कुछ ना कुछ चल ही रहा है, जहाँ हम बाहर भी नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा सीखें जो हमें ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं बताया जा रहा हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ यूज़फुल ट्रिक्स जो आपके अभी नहीं, आगे फर्दर क्लासेस में भी हर जगह यूज़फुल रहेंगी। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक यूज़फुल ट्रिक्स, सो दैट जिन्हें आप यहाँ ही नहीं, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक पे चलते हैं हम, फॉर फाइंडिंग दी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा मैंने, यहाँ पर स्क्वायर्स लिखे, देखो 1 से 13 तक के स्क्वायर लिख लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 8, 5 का 26, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144 and 13 का 166, 9। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए कि 1 का जो स्क्वायर है वो एंड होता है 1 पे, 2 का स्क्वायर एंड होता है 4 पे, 3 का स्क्वायर एंड होता है 9 पे, 4 का होता है 8 पे, 5 का होता है 25 यानी 5 पे, 6 का होता है 6 पे, 7 का होता है 9 पे, 8 का होता है 4 पे, 9 का होता है 1 पे और 0 का 0 पे, एज सो ऑन। ये वैल्यूज चलती जाती है, तो इन्हीं सब वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इनके यूनिट डिजिट बोला जाता है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कुछ सिमिलैरिटीज, यहाँ पर 1 और 9 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 होता है, 2 और 8 का यूनिट डिजिट हमें 4 मिलेगा, 3 और 7 का जो यूनिट डिजिट है हमारे पास वो 9 मिलेगा, और 4 और 6 का यूनिट डिजिट हमारे पास 6 होता है। तो आइए देखते हैं अब हम इन सब चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें 1, 5, 6, 2, 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो हम माइंड में रखेंगे वो स्टेप क्या होगा कि इस नंबर को लास्ट 2 डिजिट के बाद ब्रेक कर दीजिए, इस तरीके से इसे 2 पार्ट में हम ब्रेक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमेशा लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के फिर आप आगे का जितना भी पार्ट है आपके पास उसे आप ब्रेक कर दीजिए। फिर हम देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, इसकी जो यूनिट डिजिट है 5 की, अब यहाँ पे हमने 5 लिखा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि 5 की जो यूनिट डिजिट होती है वो एज इट इज 5 ही होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 की 5 ही होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एक वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गई। अब हमें चाहिए इसके आगे वाली वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे पार्ट पे चलेंगे, इस वाले पार्ट पे। अब हम चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाया करती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वैल्यू है, 12 का स्क्वायर है 144 और 13 का स्क्वायर है 169, तो ये जो वैल्यू है हमारी वो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में लाया करती है। तो हम जब भी कंसिडर करते हैं वो कौन सी वैल्यू होती है, वो हमारी छोटी वाली वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125, दैट मीन्स ये 125 का स्क्वायर। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, अगेन देखिए हमारा स्टेप हमेशा सेम ही रहेगा, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़ा, फिर हमने ब्रेक कर दिया नंबर को, उसके बाद 5 का तो 5 ही हो जाएगा यूनिट डिजिट। अभी जो 2 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के, तो जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। और आप वैल्यूज देख सकते हैं कुछ, देखिए अब हम ले लेते हैं 196 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो 196 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 196 हम जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हमने अगेन लास्ट की 2 डिजिट ली, उसके बाद हमने नंबर को ब्रेक कर दिया। अभी जो 6 है ये किसकी एंडिंग में आता है, या तो 4 या फिर 6 के, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 पॉसिबिलिटी है यूनिट डिजिट की। यहाँ पे 1 है, ऑब्वियसली ये 1 का ही स्क्वायर, इससे छोटी कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं। बट अब एक कंफ्यूजन होता है कि अब हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन करनी नहीं है, अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये 14 का स्क्वायर है या 16 का स्क्वायर है। तो इनके बीच में एक वैल्यू आएगी, हमेशा कहीं ना कहीं एक वैल्यू आएगी जो डिजिट 5 से एंड होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी
डिजिट यूनिट डिजिट 5 से अगर वैल्यू हमारी एंड होती है तो उसका डायरेक्ट हम लोग कैसे स्क्वायर निकालते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर आप लिख लीजिए साइड में, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब जो वैल्यू बची हमारे पास इसके आगे वाली, अब क्या करेंगे इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 के बाद हमारे पास आता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 256। तो 15 के स्क्वायर की वैल्यू इस नंबर से तो बड़ी हो गई, तो मतलब ये वाला तो स्क्वायर इसका हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये डेफिनेटली 14 का स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते कुछ और ट्रिक्स की तरफ।